नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अंतरास क्रिएशन के एक और नए वीडियो में। देखिए दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि जो हमारे घर में खाली प्लास्टिक बैग पड़े होते हैं, जैसे आटा और चावल हम लोग लेके आते हैं मार्केट से, और वो बैग को हम लोग ऐसे ही फेंक देते हैं। ये देखिए, ये बैग हैं जिसमें हम आटे के बैग हैं, जो बैग आते हैं आटे के, ये बेकार पड़े रहते हैं हमारे घरों में। हम उनको किस तरह से, मैंने इसमें देखिए टमाटर का पौध लगाई थी 2 महीने पहले, और ये इतनी अच्छी तरह से देखिए ग्रो कर रहा है, और इसमें इतने सारे टमाटर आप देख सकते हैं कितने टमाटर इसमें लगे हुए हैं। एक टमाटर मेरा पक भी चुका है, ये देखिए कितना प्यारा लग रहा है, ये पौधा पक चुका है और इसमें इतने सारे फल आए हैं। इसी तरह से मैंने जैसे घर में पड़ी बेकार लकड़ी की पेटी में भी मैंने धनिया कितनी अच्छी तरह से लगाया है ये, और इसको मैं कई बार यूज भी कर चुकी हूँ अपनी सब्जी में, दाल में, और मुझे मार्केट जाने की जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि मुझे घर में ही ये ताजी हरी धनिया मिल जाती है। ये देखिए, मैंने कुछ दिन पहले इसको बीज बोया था धनिया का, और ये इतनी अच्छी तरह से ग्रो कर रहा है। देखिए कितना अच्छा हेल्दी लग रहा है, इसको देखकर ही मन प्रसन्न हो जाता है। अब मैं आपको बताऊं कि हम इन बैग्स में किस तरह से ये सब्जियां और फूल लगा सकते हैं। इसके लिए हमें ये इस तरह के प्लास्टिक बैग्स चाहिए, जिसमें हम आटा और चावल वगैरह लेकर आते हैं मार्केट से, और जो यूज करने के बाद हम लोग फेंक देते हैं। ये देखिए, ये हमारा छोटा है और ये बड़ा है, या आप चाहे तो इसके अलावा कुछ और बैग्स भी आते हैं, आप वो भी यूज कर सकते हैं। अब इस तरह से इस बैग को हम फोल्ड कर लेंगे इसे, ताकि इसको मिट्टी भरने में इसमें आसानी हो। ये देखिए, मैंने पहले इसमें बैग में थोड़ी नीचे मिट्टी डाल दी, इसमें इस तरह की मैंने ये सूखी, मेरे पौधों में फूल खत्म हो गए थे तो ये मैंने तोड़ करके इसमें इकट्ठे कर दिए हैं, और ये सूखी भी है। ये देखिए सूखा गार्डन वेस्ट है, इसे मैंने आपको बताया कि गार्डन वेस्ट भी डाल सकते हैं, फिर ये किचन का है मेरा। ये देखिए मेरा किचन का जो वेस्ट है, मैं इसको भी इसमें ऐड कर दूंगी। आप यकीन नहीं मानेंगे, ये सब मिक्स करके हमारी इतनी बढ़िया खाद बनेगी कि इससे बढ़िया खाद तो कुछ हो ही नहीं सकती। इसे ब्लैक गोल्ड भी कहा जाता है, सबसे बेस्ट खाद है हमारे पौधों के लिए। इसको हम सब इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। देखिए मैं इसको पूरा सूखी पत्तियों के बाद हमने फिर थोड़ा सा इसमें मिट्टी डाल ली है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप घर में जो वेस्ट आपकी चीजें निकलती हैं, जो ऑर्गेनिक होती हैं, आप वही चीजें इसमें यूज कीजिए, आपकी खाद की खाद बनेगी और आप उसको ऊपर से पौधे लगा सकते हैं, आपके इसमें दो काम होंगे। इसके अलावा आप इसमें ये पेपर का जो वेस्ट होता है, जैसे पुराना पेपर हो जाता है, आप फेंक देते हैं या जला देते हैं, इसको भी छोटे छोटे पीस करके इसमें डाल सकते हैं। ये भी खाद का भी काम करेगा और हमारी इसमें नमी भी बनाए रखेगा। ये देखिए, ये आपको इसमें कुछ नहीं करना है, आपको घर बैठे एक बेहतर खाद मिलेगी आपके पौधों के लिए, और इसमें आप खाद बनने तक पौधा भी लगा सकते हैं, कुछ सब्जी के पौधे, जिस तरह से मैंने आपको दिखाया था कि मैंने अपने इसी तरह के बैग में टमाटर के पौधे, हरी मिर्च के पौधे और धनिया वगैरह सब लगाया था। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसको तैयार कर लिया है। अब हम इसमें कुछ भी लगा सकते हैं, जैसे आप जो आप चाहते हैं इसमें लगा सकते हैं। मेरे पास ये बैगन की कुछ पौधे रखे हुए हैं, तो मैं इनको इसमें लगाऊंगी। ये देखिए, इस तरह से मैंने इसमें ये पौधे लगा दिए हैं, बैगन के पौधे हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया था कि मैंने इसमें टमाटर की पौध लगाई, और उसमें कितने अच्छी तरह से टमाटर फल दे रहा है।
इसमें लगाने का ये भी फायदा है कि हमें ज्यादा मिट्टी की जरूरत नहीं पड़ती, हमारे एक साथ दो काम हो जाते हैं। जैसे मैंने इसके नीचे आपको दिखाया था शुरू में कि मैंने मिट्टी के साथ साथ सूखी हुई पत्तियां, अपने गार्डन का वेस्ट और चिकन का वेस्ट और पुराना पेपर वगैरह भी डाला था, तो उस वजह से हमें मिट्टी की कम जरूरत पड़ती है। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप ज्यादा मिट्टी अरेंज नहीं कर सकते हैं तो कम से भी काम चल जाएगा। जैसे मैंने ये देखिए, इस तरह से मैंने इसके ऊपर मिट्टी डाल करके इसमें बीज बो रही हूँ। अब देखना कुछ दिनों में हमें ये हमें बीज को हम मिट्टी से दबा देंगे इस तरह से। मैंने कुछ दिनों पहले इस बैग में धनिया के बीज बोई हुई थी और ये देखिए कितनी अच्छी तरह से ग्रोथ कर रहा है। ये देखिए छोटे छोटे पौधे जम रहे हैं, कुछ जम रहे हैं, कुछ जम चुके हैं और कुछ जमने की तैयारी में है। ये देखिए इसके साथ मैंने मिर्ची भी लगाई हुई है। ये देखिए मैंने फ्रेश टमाटर अभी अपने ये जो मैंने प्लास्टिक बैग में टमाटर का पौधा लगाया था उसमें से आपके सामने तोड़ा है। ये देखिए और ये पक गया था तो मैंने कबूला इसको मैं सब्जी के लिए यूज़ कर लेती हूँ। अभी देखिए इस तरह से धनिया भी मेरे इसमें लगा है और मैं थोड़ा सा धनिया भी तोड़ लेती हूँ। इस तरह से अगर आप सब्जी लगाएंगे तो आपको हमेशा आपको घर में फ्रेश सब्जियां मिलेंगी। इसमें मैंने किसी भी तरह का केमिकल यूज नहीं किया है, साफ सुथरा पानी है। आज की मेरी वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर कीजिए। अब मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।